अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने डेडलाइन भी तय कर दिया है। 2023 तक भगवान श्री रामलला को उनके मंदिर में विराजमान करा दिया जाएगा, यानी कि जो प्रथम तल है उसका कार्य पूरा हो जाएगा और भगवान श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हैं और जल्द ही इस कार्यशाला को शुरू कर दिया जाएगा, तो वहीं मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 8-10 कारीगरी पहुंचे अभी तक, से भी शुरू करना है धीरे धीरे, बाद में बढ़ाएंगे ये लोग, पहले तो 8-10 से टेम्पररी चालू कर रहे हैं अभी, तो 8-10 कारीगर पहुंचे होंगे अभी, कल परसों से काम करेंगे चालू उधर। अभी तो सेटअप होने दीजिए थोड़ा, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। अभी तो एक ये 5-10 होगा, पहले तो क्या था कि था सब व्यवस्था, अभी तो काफी सालों से थी नहीं, तो अभी जब जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ाएंगे, वो भाई साहब बोलेंगे चंपत राय जी वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे। तराशने वाले लोग हैं, ये तराशने वाले लोग हैं। हाँ, पिंक सैंड स्टोन जो है ये बंसी पहाड़पुर राजस्थान में खदान है इसकी, और वहाँ से निकलता है यह पत्थर जो है, कच्चा पत्थर होता है, इस पर नक्काशी करना जो है सरल होता है, क्योंकि कठोर पत्थर पर जो है नक्काशी नहीं की जा सकती। इस पिंक सैंडस्टोन को 1989 में राम जन्मभूमि न्यास ने और विशेषज्ञों ने तय किया कि इसको जो है मंदिर निर्माण में लगाया जाए, और तब जो है पूज्य संतों ने प्रस्ताव पारित करके इसको वहाँ से मंगाने का कार्य प्रारंभ किया। सितंबर 1990 में जब कार्यशाला स्थापित हुई तब यहाँ पर इस पत्थरों को लाने का काम प्रारंभ हुआ और इस पर नक्काशी का जो है श्री गणेश हुआ। इस प्रकार से यह पिंक सैंडस्टोन, इसकी आयु भी है 1000 या 1200 वर्ष जो है यथावत रहेगा, और इस पर जितना जल पड़ेगा ये उतना ही चमकेगा। तो इस दृष्टि से जो है इस पिंक सैंडस्टोन को जो है स्वीकृति मिली और आज जो है मंदिर निर्माण के जो एक गति दी जा रही है तो उसमें इसकी भूमिका अहम है, क्योंकि संपूर्ण मंदिर जो है जो 300 फीट लंबा, 200 फीट लगभग चौड़ा और 161 फीट ऊंचा, तो इस प्रकार से इस पिंक सैंडस्टोन का पूरा उपयोग उसमें होगा। बाकी कुछ अन्य भी पत्थर जो फर्श वगैरह है उसमें लगेंगे, लेकिन पिंक सैंडस्टोन की नक्काशी जो है एक अद्भुत है, अद्वितीय है और आकर्षक है। तो इस प्रकार से इस पर कितने पत्थर अगर देखा जाए ये तरासे जा चुके हैं। देखिए, पूर्व में जब मंदिर का एक निर्धारण हुआ कि इस प्रकार से मंदिर बनेगा, तब ये हुआ था कि 1,75,000 घनफुट जो है पत्थर नक्काशी किए जाएंगे, जिसमें से 2013 और 14 तक लगभग 60% काम हुआ था संपूर्ण मंदिर का। ये माना जा सकता है कि 1,00,000 घनफुट पत्थर पर नक्काशी की गई थी, लेकिन आज वर्तमान में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ, उसको स्वीकृति मिली उस ट्रस्ट के द्वारा, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है, तब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बढ़ गई तो यह अनुपात जो है घट गया। अब जो है लगभग 35-40% कार्य संपूर्ण मंदिर का जो भूतल का है या कहेंगे गर्भगृह का वो हो चुका है। राम मंदिर निर्माण की तैयारी जोरों पर है। राम जन्मभूमि परिसर में न्यू निर्माण को लगभग पूरा किया जा चुका है। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पत्थरों का कार्य शुरू होगा। हम इस वक्त राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला में हैं, या वही कार्यशाला जहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को रखे गए हैं, जहाँ पर इन्हीं पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया जाना है। तो वहीं एक बार फिर मंदिर निर्माण को लेकर जो एक लंबे समय से जो यहाँ पर कार्यशालाएं चल रही थी, एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी है। लगभग 12 से अधिक मजदूर यहाँ पहुँच चुके हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इस कार्यशाला को प्रारंभ कर दिया जाएगा। वह स्थान है जहाँ पर एक बार फिर मजदूरों को एक जो है तैयार किया जा रहा है। मजदूर यहाँ पर बैठ कर जो है पत्थरों की तराशी का कार्य शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो निर्माण जो कार्यशाला को लेकर शुरू करने की जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इस कार्यशाला को चालू कर दिया जाएगा। अयोध्या से सत्यप्रकाश, प्रभा साक्षी के लिए।